हिंदी तो समझते हैं पर जब वचन प्रवचन देना होता है तो वो इंग्लिश को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छी तरीके से वचन दे पाएंगे, तो हम उसके लिए अनुवाद कर देंगे, पर अधिकतर लोग आप लोग इंग्लिश भी समझते हैं इसलिए उनके वचनों को सुनेंगे। क्योंकि ज्यादा समय नहीं है इसे हम दोनों साथ साथ में मिलकर प्रवचन देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. No, some months back in our retreat center, I was leading an adoration for physical healing. कुछ महीने पहले हमारे साधना केंद्र में मैं शारीरिक चंगाई की आराधना का नेतृत्व कर रहा था। Lot of people were gathered and they were praising, worshiping God with loud voice. And the musician was playing the keyboard and singing with loud voice. बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्र थे, ऊंची आवाज में स्तुति आराधना कर रहे थे और वहाँ पर जो गीत मंडली थे वो भी कीबोर्ड बजाकर ऊंची आवाज में स्तुति आराधना कर रहे थे। Then I found a small child, maybe 1.5 years old. He was sleeping in front of everyone on the floor on his old mat. और मैंने वहां पर देखा एक छोटा सा 1.5 साल का जो बालक था वहां पर एक चटाई पर सबों के सामने आगे ही पर सोया पड़ा है। I was so surprised. I thought how this child could sleep like this because loud voice and this bass is strange for him. The crowd is strange for him without any fear. He is sleeping peacefully while all are praying with loud voice. मैं इस बात से हैरान ये था कि ये बालक आखिर में ऐसे निश्चित होकर सो कैसे सकता है क्योंकि वहां पर इतना शोरगुल मच रहा है, इतनी ऊंची आवाज में स्तुति आराधना हो रही है और ये जगह उसके लिए बहुत ही यानी अजीब है, वो इस जगह से ये परिचित भी तो नहीं है। I was on the stage and this child's face was turned to the stage so I could see him clearly. He was a very cute child. और मैं वेदी पर था, उसका जो चेहरा था वो वेदी की ओर ही मुड़ा हुआ था, इसे मैं देख पा रहा था कि बहुत ही सुंदर एक बालक है। तो I was leading the session, I was often looking at this small child. भले ही मैं वहां आराधना चला रहा था पर बार बार मेरा ध्यान उस बालक की ओर जा रहा था। I found during that session 3 times he opened his eyes. Whenever he opened his eyes, he was turning to the other side and looking at the person who was sitting on the chair. और आराधना के दरमियान मैंने देखा 3 बार इस बालक ने अपनी आंखें खोली, हर बार जब आंखें खोली उसने अपना चेहरा मोड़ा यानी दूसरी ओर किया और वहां पर कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की ओर उसने देखा। And again he would turn to this side and he would see. फिर पुनः एक बार वापस चेहरा इस तरफ मोड़कर वो वापस हो जाता था। Then I would understand one thing. The one who was sitting on the chair is his dad. और इस बात से मैं ये मुझे एहसास हुआ कि कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं वो उसके पापा हैं। So he was making sure that dad was sitting there. He's not gone. He's sitting there. इसे बार-बार वो यही देख रहा था कि अपने आप को एहसास दिला यानी आश्वासन दे रहा है कि पापा यहाँ पर है और पापा बैठे हैं। Now for that session, when I was alone, I thought like this. When he opened his eyes once again. When he looked, just imagine that dad is not there. He's gone for drinking water, he's gone to washroom. Dad is not there, everyone else is there. और आराधना के पश्चात मैं अपने आप में अकेला था, तब मैं ये इस बात पर थोड़ा सोच रहा था, मान लो उसने 4th बार भी आंख खोली और उसने वो चेहरा उस तरफ किया और वहां पर पापा की उपस्थिति नहीं है, पापा शायद पानी पीने गए या शौच कर गए हैं, तो पापा नहीं है तो उसका क्या होगा? What would happen? तो फिर उसका क्या होगा? Can you say? कोई भी बता सकता है बेटा क्या होगा? हाँ? A child would start crying. वो बालक तुरंत ही रोने लगेगा।
You see, the crowd is the same, the place is the same, everything is same, but only one difference, that is not me. देखिए भीड़ वही है, जगह भी वही है, शोरगुल भी वही है, सब कुछ समान है, परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, पर एक ही बदलाव है, पापा वहाँ नहीं है। Now we understand why that child was able to sleep so peacefully. फिर मैं समझ पाया कि आखिर में वो बालक वहाँ पर उस माहौल में कैसे निश्चिंत होकर सो पाया? Though the place is quiet, though the crowd is quiet. Though there is loud voice, what is his confidence? If my dad is there, I have nothing to fear. भले ही उसके लिए जगह बहुत ही अजीब जगह है, नई जगह है, वहाँ पर भीड़ जो है और आवाज इतनी ऊंची आवाज में हो रही है, स्तुति हो रही है, पर एक ही बात उसको उसको आश्वासन दे रहा है कि मेरे पापा यहाँ मेरे साथ है. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, Jesus said, you become like a child. Actually, Jesus wanted to tell and give this message for us. Your relationship, your confidence, your faith in your dad, Abba, Father must be like the faith and confidence of this child. प्रभु यीशु ने क्या कहा, तुम एक छोटे बालक के समान बन जाओ. प्रभु यीशु क्या बतलाना चाहते हैं कि तुम्हारा जो विश्वास, तुम्हारा जो भरोसा, तुम्हारा जो रिश्ता अब अपने ईश्वर के साथ होना चाहिए, अब्बा पिता के साथ होना चाहिए, इसी बालक के समान होना चाहिए. पहले पाठ में हमने पढ़ा कि संत पौलुस रोमियो के पास एक पत्र लिख रहे हैं. And in that letter we say one thing very important about our Christian life. और उस पत्र के में संत पौलुस एक बहुत ही अहम बात बताते हैं हमारे ईसाई जिंदगी के बारे में. Saint Paul says, you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption. That's why you cry out, Abba, Father, and that spirit with our spirit gives witness that we are children of God. संत पौलुस ने कहा कि हमें भीरुता की आत्मा या दासता की आत्मा नहीं प्राप्त हुई है, बल्कि हमें दत्तक लिए, गोद लिए पुत्र का हमें मनोभाव मिला है, जिसके द्वारा हम दिल से पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता. Praise the Lord. So from that statement, two things are revealed. What is God for you and what we are. तो इस वचन के द्वारा हमें ये बतलाया जा रहा है कि आखिर में ईश्वर कौन है हमारे लिए और हम कौन है ईश्वर के. God is Abba, Father for us, and we are children of God. ईश्वर हमारा अब्बा पिता है और हम उनके संतान, उनके पुत्र और पुत्रियां हैं. And again Paul says, if you are children, you are heirs of God. और संत पौलुस ने आगे कहा है कि अगर तुम ईश्वर के संतान हो तो तुम्हें उस उसके विरासत के भागी हो. Galatians chapter 4 verse 6 again Paul says, you are not a slave, you are a child. और गलातियों के नाम पत्र में 4:6 में पुनः एक बार संत पौलुस ने कहा कि आप एक दास नहीं हो, गुलाम नहीं हो, बल्कि आप एक परमेश्वर की संतान हो. Praise the Lord. Praise the Lord. So, dear brothers and sisters, if the spirit that we received at the time of our baptism, that spirit of God is still dominating our life, then we will not have fear or anxiety. तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर बपतिस्मा के समय हमें जो पवित्र आत्मा प्राप्त हुए हैं और वही आज भी हमारे जीवन में सक्रिय तौर से कार्य कर रहा है, तो हम किसी भी डर और भय के चंगुल में नहीं फंसेंगे. But at the same time, if we allow any other spirit, spirit of slavery, that is Saint Paul says, if you allow the spirit of slavery to enter into your life, then you will have fear and anxiety. पर साथ ही साथ अगर आप दासता, गुलामी के आत्मा को अपने जिंदगी में अधिकार लेने देते हैं तो आपके अंदर भय, घबराहट, चिंता सब होगा. Praise the Lord. Praise the Lord.
you know, these days many places are retreats booked, and that's why though there is chance for cancellation, but we are going. आज ये इन दिनों क्योंकि ये पास काल का समय है, अनेक जगह पर हमारी साधना सब जगह लोगों ने हमें यानी बुलाया है, निमंत्रण दिया है, तो कई जगह पर कैंसिल हो रहा है, पर फिर भी हम वहां जा रहे हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Of course, we have to follow the restrictions given by the government. That's why we have to say that the storm is after us. ये बात सही है कि सरकारी जो नियम बताए गए हैं, उन्होंने जो बतलाया है उसका पालन करना है, इसे हम इस निशा के बाद खत्म करेंगे. At the same time, I told Devi, after all this trouble, when we reach back, we are not sure whether we will be affected by corona. फादर जी मुझे बता रहे थे, कब से बता रहे थे कि ये सारे हम जो भी जा रहे हैं सब जगह, और जब हम वापस आएंगे क्या पता कि हमें ही कोरोना लग जाए. But I don't find any fear in my heart. पर ना उनको है ना मुझे, हमें हम दोनों को किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं है. पता है क्यों डर नहीं है, भय क्यों नहीं है? I have this strong confidence. I am a child and God is my Abba. क्योंकि उनका पूरा भरोसा है, मैं बेटा हूँ, मेरा ईश्वर मेरा पापा है, मेरा अब्बा. So they believe, okay, even if I am affected by corona, I will be going to my Abba. अब विश्वास क्या है, मुझे कोरोना हो भी जाए तो भी मैं तो आखिर में अब्बा के पास ही तो जाने वाला हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. Even if I am here, even if I am going back, I will be with my Abba, so I don't have any fear. मैं यहाँ पर हूँ या मैं वहाँ चला भी जाऊँ, मैं तो अपने अब्बा के साथ हूँ, तो मुझे किस बात का डर? Praise the Lord. Praise the Lord. It means our faith must give us a confidence. हमारा जो विश्वास है, हमें एक आश्वासन, एक भरोसा देना चाहिए. Of course, we have to take all precautions to protect our life and also lives of others. ये बात सच है हमें अपने जीवन की रक्षा और दूसरों की जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी भी रक्षा करनी है. बात सच है. But at the same time, lot of unexpected things could happen in our life. पर ये बात भी सच है कि साथ ही साथ अनेक सारी अनिश्चित घटनाएं घट सकती है. But we must understand one thing. Without the knowledge of Abba Father, nothing would happen to us. पर ये भी हमें समझना है, मेरे अब्बा पिता जो नहीं जानते, मैं प्रभु की जानकारी के द्वारा ही वो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ होगा. So, Prophet Jeremiah, he says, the Lord has got a plan for you that is not for your harm but for your welfare. नबी यिर्मयाह ने क्या कहा कि ईश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए योजना बनाई है, वो योजना हमारे अहित के लिए नहीं है. Praise the Lord. Praise the Lord. So Jesus, he gave a beautiful definition for death. प्रभु यीशु ने मृत्यु के बारे में एक बहुत सुंदर उसकी व्याख्या दी है. I'm sure all of us we want to live here in this earth for long time. मुझे ये भी यकीन है कि हम सबको इस पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक, लंबे अरसे तक हमें जीना है. Am I right? बात सच है? सच है या नहीं है? How many years do you want to live? कितने साल जीना है आपको? कितना? I'm sure that you are. 100 साल. 100 साल. 100 years. 100 years you want. So many times you want to marry and live for a long time. आपको बहुत अनेक बार शादी कर करके फिर जीना है, ऐसा करना है? Praise the Lord. Praise the Lord. That's our human nature. We want to live for a long time. हमारा इंसान का ये स्वभाव है. But Jesus said, now I am going and I will prepare place for you and I will come back and I will take you also to me. प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं जा रहा हूँ पर मैं तुम्हारे लिए वहाँ एक कमरा तैयार कर रहा हूँ और फिर मैं आऊंगा तुम्हें वापस लेने ताकि तुम मेरे साथ रहो. Jesus will come and he will hold our hands and he will take us to some other world. प्रभु यीशु आएंगे, हमारा हाथ थामकर हमें एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएंगे. Holding the hands of Jesus, we are leaving this world and we are entering into another wonderful world. प्रभु यीशु का हाथ थामकर हम इस संसार में
right human is called? वो क्या कहा वो उसको क्या कहा जाता है? What is death? उसी को मृत्यु कहा कहते हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. When we hear the word death, we are frightened. But you just think we are holding the hands of Jesus and we are going to another beautiful world. हम जब मृत्यु ये सोचते हैं या ये बच ये शब्द आता है तो हम डर जाते हैं यानी कांप जाते हैं पर अगर आप इस तरीके से सोचे कि प्रभु यीशु मेरा हाथ थाम कर मुझे दूसरी दुनिया में लेकर जा रहा है तो कितनी सुंदर बात है. Once I was talking to a poor family. मैं एक बहुत ही गरीब परिवार के साथ एक दिन बातचीत कर रहा था. And there are four children in that family. उस परिवार में चार बच्चे हैं. Out of their problems, you know, they had a lot of financial problems at home. And this mom, she decided to commit suicide. And she prepared everything and for the children and this mom, she told these children, "We are going to die." ये परिवार में जब मैं बातचीत कर रहा था तो उनकी कई आर्थिक समस्याएं थी कई परेशानियां थी इससे माँ ने चार बच्चों के को ये कहा है कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ मैं मरने जा रही हूँ और मैंने सब तैयारियां की है. And one year those four children, this poor girl, she said, "I will not die now." और उस चार बच्चों में से एक छोटी बेटी थी उसने कहा नहीं मैं नहीं मरना चाहती हूँ अभी I am not ready to die now. मैं अभी नहीं मरना चाहती हूँ. Mom asked why. तो माँ ने पूछा क्यों? Then that small girl said, "My catechism teacher, she has told us what is death. Jesus will come to you and Jesus will be holding your hands and he will be guiding you to the other world." तो उसने कहा जो इतवार की धर्म तालीम जो देती है वो मेरी टीचर ने मुझे ये कहा है कि यीशु मेरे पास आएंगे यीशु मेरा हाथ थामकर मुझे कहीं पर लेकर जाएंगे मेरा मार्ग दिखाएंगे वो ही मुझे लेकर जाएंगे. And if Jesus does not come, I am not going to die. तो उसने क्या कहा यीशु नहीं आएंगे तो मैं मरने को तैयार नहीं हूँ यीशु को आना है पहले. This mom, she was telling me, "Father, when I heard that, I could not do anything. I do everything what I prepared. That's why we are living today." तो उस माँ ने कहा जब मैंने अपने बेटी के मुंह से ये सुना तो मैंने सारे विचार छोड़ दिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इस कारण से आज हम जीवित हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. You don't think that I have prepared you to die. ये मत सोचना कि मैं आपको मरने के लिए तैयार कर रहा हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. What I want to say. If we have this confidence and faith about Father, we will not be anxious or frightened about anything happens in this world. कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको अपने अब्बा पिता में ये भरोसा ये विश्वास है तो आपको अपने जीवन की जो भी घटनाएं घट रही है उसके बारे में कोई चिंता या आशंका नहीं होगी. We may have sickness, we may have suffering. We will have a lot of conflicts in our lives. Let anything happen. What is most important is your strong relationship with your Abba because you are a child, you are not a slave. भले ही बीमारी आने दो भले ही कोई भी समस्या आने दो या तो कोई भी प्रकार की परेशानी आने दो पर आपका जो भरोसा है आपका जो रिश्ता है अपने Abba के कारण उस कारण से आप विचलित नहीं होंगे. Some months back, a Hindu girl, she was from North India, she was attending a retreat in our center. कुछ महीने पहले कुछ हमारे साधना केंद्र में एक हिंदू लड़की आई हमारे वहां साधना में भाग लेने के लिए. She did not know anything about Jesus. She just came there with her Christian friend. वो अब वो यानी यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और वो अपने ईसाई सहेली के साथ वहां साधना में भाग लेने आई. During the time of adoration, in a vision, she could see a big book appeared on the stage. On the time of adoration, the sacrament was exposed there. A big book appeared there. और आराधना के समय उसने देखा कि परमप्रसाद वहाँ पर है और उसने स्टेज पर देखा कि बड़ी सी किताब उसके सामने दर्शन के रूप में उसे दिखाई दे रही है. And its pages were turning. और उसके जो पन्ने थे ऐसे ही घूम रहे थे ऐसे ही रहे. And when it reached to a particular stage, paper page, it stopped there.
and she could see it was written on that page Matthew 23:9. और ऐसे पन्ने घूम रहे थे, अचानक ये पन्ने घूमना बंद हो गया और एक पन्ना जहाँ पर घूमा बंद हो गया वहाँ पर उसे कुछ दिखाई दिया, वो था Matthew 23:9. But this word meant to give, she did not understand what is Matthew 23:9. और ये तो हिंदू लड़की है, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि मती क्या है, 23:9 ये क्या है, नहीं समझ पाई. After the adoration, she asked her Christian friend, "What is this? I saw a book, and it was written Matthew 23:9." फिर उसने अपने ईसाई जो सहेली है, उसको ये पूछा, मैंने ये देखा एक किताब है और ये मती 23:9 लिखा है, या ये क्या है? And Christian friend, she took the Bible, Gospel of Matthew. 23:9 और उसने ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर किसी को भी पिता कहके तुम ना पुकारो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है. After adoration, this girl came to me and asked me, "Why this word of God for me?" और आराधना के बाद ये लड़की मेरे पास आकर पूछती है, फादर जी मुझे ऐसा क्यों ये वचन मिला है? At first, I could not understand it. पहले तो मैं भी नहीं समझ पाया कि क्या बोल रही है. But when she started sharing about her family, I could understand what is the meaning of that word for him. पर जब वो अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ बातें बतलाने लगी, तब मैं समझ पाया कि क्यों उसे ये वचन मिला है. When she was only 4 years old, and she has got one sister only 2 years old, their dad abandoned them and his wife, and he went away, and now they do not know what he is. जब ये 4 साल की बेटी थी, उसकी छोटी बहन है जो 2 साल की थी, जब ये इतनी छोटी उम्र में थे, तब उसके पापा उनके परिवार को, उनकी पत्नी को छोड़कर कहीं और चले गए और अब तक उन्हें पता नहीं कि उनके पापा कहाँ हैं. So the pain of her heart was this, I have no dad. उसके दिल का दर्द ये था कि मेरा कोई पापा नहीं है, मेरे पिता नहीं है. Now listen, for this Hindu girl, who was attending the retreat for the first time, God is personally revealing to her, "I am your dad." अब सुन लीजिए, ये हिंदू लड़की जो पहली बार साधना में भाग रही है, पिता परमेश्वर अब्बा उन्हें या ईश्वर क्या बतला रहा है कि मैं तेरा पिता हूँ. Every Christian, every baptized is called to this confidence and faith, "Abba." हर एक ईसाई, हर एक जिसने बपतिस्मा पाया है, उसको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा ईश्वर मेरा अब्बा है और मैं उसकी संतान. Every time when we come to him, he has got something to tell us. Even when we make complaints, he has got something to tell us. जब जब हम उसके पास आते हैं, भले ही हमारे दिल में कोई भी शिकायत फरियाद भी क्यों ना हो, हमारा ईश्वर जरूर हमसे कुछ कहना चाहता है. No, बताइए वो क्या कहना चाहता है? Do you remember what father in the parable of the prodigal son? He was telling to the elder one while he was making the complaints. आपको पता है उड़ाव पुत्र की कहानी में जब बड़ा भाई पापा को, उसके पिताजी को शिकायत का फरियाद कर रहे थे, तब पिता ने क्या कहा? पता है किसी को? Do you remember? One said, "My son, all that is mine is yours." क्या कहा? मेरे बेटे, जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है. Praise the Lord. Praise the Lord. The same thing Abba Father is telling each one of you when you are also coming to Him. वही बात Abba पिता आपको और मुझको कहते हैं जब हम उनके पास जाते हैं. जो कुछ मेरा है वो तेरा. जो कुछ मेरा है वो तेरा. So when you pray for anything, don't forget your child is an Abba and he says, "Jo kuch mera hai, wo tera hai." जब जब आप प्रार्थना करते हो, कभी इस बात को ना भूलें कि ईश्वर आपका अब्बा है, वो पिता है, आपकी संतान, आप उसकी संतान है और वो आपसे कहता है.
दे रहा है. Praise the Lord. You are not a servant. You are not a beggar. You are not a slave. You are a child. आप कोई दास नहीं हो, आप कोई सेवक नहीं हो, ना आप कोई भिखारी या गरीब हो, बल्कि आप ईश्वर की संतान. That's what we heard in the gospel today. Upon revealing to Jesus, you are my son, my beloved. आज के इस समाचार में यही तो हमने सुना कि अब्बा ईश्वर ने यीशु को क्या बताया, तू मेरा लाडला पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ. जब यीशु वहां चमत्कार कर रहे थे तभी तो वो उसके बेटे ही थे. Even when Jesus was praying in the garden of Gethsemane, he was his son. जब यीशु गत्समनी वाटिका में प्रार्थना कर रहे तभी भी वो उसके बेटे ही है. Even when Jesus was dying, when you are suffering, when you are sick, when you have problem, and even when you do not have any problem, don't forget you are a child, you are a son, you are a daughter. आपके जीवन में बीमारी है, समस्या है, दर्द है, या कोई समस्या ना भी हो, कभी ये बात को ना भूले कि आप ईश्वर के बेटे हो और उनकी बेटियां हो. Hallelujah. Hallelujah. Even though we could not listen to the word of God for 3 days. At least this much you keep in your mind. He's my Abba and I am his child. हरे तीन दिन तक हम परमेश्वर का वचन नहीं सुन पाए, पर इस बात को कभी ना भूलिए और इस बात को मन में याद रखिए, वो मेरा अब्बा है, मैं उसकी बेटी हूँ और उसका बेटा हूँ.